आज गोपियों ने कहा कि गोविंद हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हो ना कि ये प्रियवता नारी का लक्षण नहीं है जो अर्धरात्रि में अपने परिवार को घर को त्याग करके दूसरी जगह आ जाए। आप हमारे प्रश्न का जवाब दे दिए, हम पूछना चाहते हैं आपसे। हम आपसे पूछ रही हैं कि मान लीजिए हम पतिव्रता नारी हैं और हम पतिव्रता नारी हैं तो अपने पति की नित्य पूजा करते हैं, उनका चरण प्रक्षालन करते हैं, स्नान करवाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, भोजन कराते हैं, अर्थात सारा काम पति की सेवा करते हैं। उसके बाद हम कुछ और अन्य काम करते हैं। अब ऐसी पतिव्रता नारी का पति अगर परदेश चला जाए और परदेश 2 साल तक 3 साल तक लगातार परदेश में ही रहे तो उस पतिव्रता नारी को उस बीच क्या करना चाहिए, ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं। और मान लीजिए हम पति से ये प्रश्न करें कि हम आपकी सेवा के बिना कैसे रहेंगे क्योंकि हम पति बता ना रहे, हम तो प्रातः काल भी उठते हैं तो अपने पति का मुखमंडल का दर्शन करते हैं, पति के बिना आज्ञा के कुछ काम करती नहीं है। मान लो पति कहता है कि नहीं मुझे परदेश जाना पड़ेगा, परदेश कमा करके मैं धन लेकर के आऊंगा तो मेरी मजबूरी है जाना होगा, ऐसी स्थिति में पति पिता नारी करे तो करे क्या, आप ही बता दीजिए। और मान लीजिए वो पति कहता है कि जब तक मैं नहीं आऊं परदेश में रहता हूं तो आप मेरे चित्रपट को अपने पास रखिए, नित्य प्रति मंदिर में रख करके मेरी पूजा करें, मुझे ही अपना मानसिक रूप से पति मान करके चित्रपट को ही आप आज्ञा लेकर कर आप नहलाइए धुलाइए भोजन कराइए आरती उतारिए, जब तक मैं ना आऊं तब तक वो रहिए। मान लीजिए इस प्रकार के चित्रपट देकर के वो पति हमारा परदेश चला जाता है और उसके बाद 3 साल के बाद पति लौट करके आया, उसी समय मैं अपने उस चित्रपट की पति की पूजा कर रही थी कर रही होंगी, तो मान लो सच्चा जो पति आ जाए द्वार पर कहे कुंडी खोलो, दरवाजा खटखटाए तो कुंडी खोलो, गेट खोलो, गोट खोलो, मैं तो पति बता ना रही। अब उसी पति ने मुझे चित्रपट दिया है, उसकी जो मैं आराधना कर रही हूँ पूजा कर रही हूँ, तो क्या आप ये बताइए उस झूठे पति की पूजा करती रहूं या उसको छोड़कर के सच्चे पति को जो द्वार पर खड़ा है उसको जाकर के कुंडी खोलूं, आप बताइए। भगवान ने कहा ये क्यों बात बताने वाली है, ये तो समझने वाली है कि जब सच्चे पति द्वार पर आ गए हैं, गुंडी खटखटा रहे हैं, बैल बजा रहे हैं, तो झूठे पति की पूजा छोड़ दीजिए और सच्चे पति की जाकर के द्वार पे आरती उतारिए, आगमन करिए, स्वागत करिए, अंदर लेकर के आइए, पलंग पर पौढ़ाइए, पलंग पर बिठाइए और भोजन कराइए। तो गोपियों ने कहा प्रभु बस हम यही तो जानना चाहते हैं कि वो तो हमारे सांसारिक पति हैं जो आज हैं कल चले जाएंगे, मेरा का भाव था। ऐसे वर को क्या वर जो जन्म में और मर जाए, वर वरिए गोपाल को तुम्हार चुड़लो अमर हो जाए। तो प्रभु सच्चे पति तो आप हमारे हैं, आप हैं वो तो मिट्टी के धोगा हैं, मिट्टी के मटका हैं, न जाने कब चटक जाएंगे कब फूट जाएंगे, सच्चे पति तो आप हैं प्रभु। संसार में क्या है, कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
संसार के लोग पति तो ऐसे हैं प्रभु, जो आज हैं कल नहीं रहेंगे। सच्चे पति सर्वदा सदा सदा के लिए, तो प्रभु आप ही मने सच्चे पति हैं, तो आपको छोड़कर के हम जाएं कहां? हमने आपको ही अपना सच्चा पति मान रखा है, हम आपको सदैव आपके साथ ही रहेंगे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।